हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीतू फूड ब्लॉग्स। बहुत सारी गर्मी होने लगी है, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो कुछ ठंडा पीने का मन होता है तो नींबू की शिकंजी। ये होता है कि कहीं नींबू की शिकंजी मिल जाए तो थोड़ा सा मन तरोताज़ा हो जाए, तो ये तो आराम से बाहर मिल जाता है। जब हम लोग कहीं बाहर से धूप से घर आते हैं तो फिर कभी कभी ये लगता है कि अगर घर में आ गए हैं तो नींबू की शिकंजी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसके शिकंजी पाउडर बिल्कुल आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बना के स्टोर करके कम से कम 6 महीने तक रख सकते हैं, और जो इसका टेस्ट आएगा आपको शिकंजी का, मार्केट से कई गुना ज़्यादा अच्छा। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिए और इसको बना के रख लीजिए। आपके गेस्ट आ जाएं या आपका खुद का मन, घर में कोई भी बाहर से आए धूप से, तो पीजिए और बच्चों को पिलाइए। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही हेल्दी और गर्मियों में बिल्कुल ठंडक पहुँचाने वाला। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आया करे तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करिए। तो इसकी बनाने की मैं सबसे पहले बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन जितना बना रही हूँ आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच मैंने जीरा और 1 चम्मच मैंने सौंफ और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और कम से कम 8-10 कड़ी पत्ता। जीरा भी बिल्कुल ठंडक होता है और सौंफ भी बहुत ठंड पहुँचाती है। तो ये चारों चीज़ों को बिल्कुल धीमी आँच में रोस्ट कर लेना है। तो जो हम लोग कड़ी पत्ता लिए हैं तो इतना रोस्ट हो जाए कि एकदम क्रिस्पी हो जाए आसानी से। अगर मॉइस्चर रह जाएगा तो आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करके रख सकते, तो कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और ये पुदीना के पत्ते जो मैंने घर में ही सुखा के रखे थे या आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, तो पुदीना के पत्ते डाले, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच जो हम लोग नॉर्मल नमक यूज करते हैं, और 2 चम्मच शक्कर। जितनी क्वांटिटी का मैं बना रही हूँ, जितना जीरा और वो, तो इस तरह से। और टेस्ट के लिए आप, इसका फ्लेवर के लिए आप इलायची डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, बिल्कुल आसानी से पिस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करके दिखा रही हूँ, इतनी क्वांटिटी का मेरा बना है। तो इसको आप छान भी सकते हैं, लेकिन जीरा या सौंफ मुँह में आ जाए, थोड़े बहुत दाने रह जाए तो और अच्छा टेस्ट आता है। जिनको नहीं पसंद है, जैसे ये मेरा थोड़ा बिल्कुल बारीक हो गया है पाउडर, तो जिनको नहीं पसंद आए वो आप छान के भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा पाउडर तैयार हो गया। अब इसको जो है ग्लास में किस तरह से बनाते हैं, या आता तो सब लोगों को है, लेकिन मैंने किस तरह से बनाया ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने दोनों ग्लास में आइस डाला और 1-1 चम्मच जो नॉर्मल टीस्पून चम्मच होता है, टेबल स्पून नहीं, तो छोटे साइज का चम्मच होता है, और उसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ा, क्योंकि नींबू की शिकंजी बना रहे हैं। तो 1/2 चम्मच जो शिकंजी का पाउडर है वो 1-1 चम्मच पाउडर डाला और 1/2 नींबू का रस, और 1 मैं बना रही हूँ सोडा से, 1 पानी से। तो ये इसमें मैंने पानी डाला और दूसरे गिलास में मैं सोडा डालूँगी। तो आप सोडा की भी बना सकते हैं या पानी की भी। ये देखिए कितना बढ़िया झाग आ गया और दोनों गिलास तैयार हो गए। जो जिसमें पानी मिलाया है तो उसमें चम्मच से आप मिक्स कर ले, सोडे में तो ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद अपने आप मिक्स हो जाता है। तो अब ऊपर से मैंने पुदीना के पत्ती से गार्निश करके, तो मार्केट की तरह फील भी होना चाहिए। और नींबू की शिकंजी है तो थोड़ा सा उसके लिए गार्निशिंग मैंने नींबू के स्लाइसेस काट के उसमें ग्लास में बिल्कुल उसी तरह से लगा दिया जैसे हम लोग मार्केट में पीते हैं। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से लग रहे हैं और टेस्ट उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये होममेड है, आपके हाथों का बना हुआ है। बिल्कुल सिंपल से इसको बना के रख लीजिए, आप भी पीजिए। आपके गेस्ट आ जाएंगे तो वो आपकी एक बार पिलाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ मिलेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।